आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन अब तेजी से सामने आएगा। ये कहा गया है NHAI की तरफ से EPE पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये साफ हो गया है। 135 किलोमीटर लंबे EPE पर अतिक्रमण किया गया। यूपी गेट से लेकर मेरठ तक DME तक ये एक्शन अब नजर आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बुलडोजर वाले एक्शन पर टिप्पणी की थी और ये कहा था ऐसा नहीं कि बेटा कोई क्राइम कर दे तो पिता के घर को ढा दिया जाए, लेकिन ये पूरी तरह से अलग मामला है। ये अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर यूपी गेट से लेकर मेरठ तक DME पर ये एक्शन होगा। गाजियाबाद में फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन तेज होगा, ये NHAI की तरफ से ये बताया गया है, क्योंकि 135 किलोमीटर लंबा EPE है जिस पर अतिक्रमण की खबर है और ये अतिक्रमण अब हटाया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें तेजी आएगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। अब इसमें वो लोग जो कि गलत तरीके से इल्लीगल निर्माण करते हैं या फिर कब्जा करके बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन दिनों सबसे ज्यादा अतिक्रमण वाले पॉइंट्स को चिन्हित किया जा रहा है। इस सर्वे के बाद NHAI की टीमें यूपी गेट से लेकर मेरठ तक DME और NH9 पर जल्द ही कार्रवाई की तैयारी में है। यानी जहां जहां अतिक्रमण है, अतिक्रमण के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी भी हो गई है। यहां 135 किलोमीटर लंबे EPE पर जिन लोगों के जरिए कब्जा अवैध तरीके से किया गया है, उस कब्जे को अब हटाने की बारी है। अब यहां बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा, बुलडोजर का एक्शन यहां नजर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस एक्शन में और ज्यादा तेजी आएगी, ये NHAI की तरफ से कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से बुलडोजर चलाने पर टिप्पणी जरूर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि अगर इल्लीगल तरीके से कहीं भी अतिक्रमण का जानकारी मिलती है तो वहां जांच भी होनी चाहिए और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें तेजी दिखेगी। गाजियाबाद में फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NHAI कह रहा है कि इस तरह के एक्शन में तेजी आने वाली है। EPE पर अतिक्रमण की कार्रवाई, अतिक्रमण जो किया गया है उसके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई अब नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे गणेश।